देश में होने वाले आगामी आम चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी है। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी साउथ में अपने दुर्ग को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों से बातचीत कर रही है और इन सब के बीच आंध्र प्रदेश के लिए बीजेपी, टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी के बीच फॉर्मूला फाइनल हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच क्या है फॉर्मूला, आपको बताते हैं। उत्तर से दक्षिण तक मोदी बढ़ा रहे कुनबा। लोकसभा चुनाव की घोषणा में अब हफ्ते 10 दिन का वक्त बचा है। चुनाव के लिए सभी पार्टियां चौसर बिछा रही हैं और इसमें बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। चुनावी रैली से लेकर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान और सीट शेयरिंग तक सभी मोर्चे पर बीजेपी लीडिंग पोजीशन में है। दक्षिण का दुर्ग भेदने के लिए बीजेपी लगातार प्लानिंग कर रही है, कुनबा बढ़ाने में जुटी है, यानी टीडीपी एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनने वाली है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना साथ में चुनावी मैदान में उतरेंगे और विपक्ष को चुनौती देंगे। ऐसे में जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, जिस पर बीजेपी, टीडीपी और जनसेना में सहमति बनी है, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जनसेना 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, 17 सीटों पर टीडीपी उम्मीदवार उतार सकती है। दक्षिण में कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पूरी तरह से कमल खिलता रहा है। तेलंगाना में भी कुछ हद तक भगवा झंडा लहराता है, लेकिन बाकी दूसरे राज्यों में बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। दक्षिणी द्वार मजबूत करने के लिए बीजेपी ने अब आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना की पार्टी से हाथ मिला लिया है। सवाल यह है कि आखिर 2018 में बीजेपी का साथ छोड़कर एकला चलो की रणनीति पर जाने वाले चंद्रबाबू नायडू क्यों फिर से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से हाथ मिलाने के लिए आतुर हैं? तो इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी और टीडीपी ने साथ साथ चुनाव लड़े। 25 में से दोनों पार्टियों ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। टीडीपी ने 15 और बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें तो बीजेपी और टीडीपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। टीडीपी ने 25 में से महज 3 सीटें जीती, जबकि बीजेपी के एक भी उम्मीदवार को जीत नसीब नहीं हुई। बीजेपी से ज्यादा टीडीपी का स्टेक आंध्र प्रदेश में लगा है और यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी से गठबंधन करना जरूरी से ज्यादा मजबूरी दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी दक्षिण भारत में ज्यादातर जगहों पर कमल खिलाने में जुटी हुई है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 5 दक्षिणी राज्यों की कम से कम 40 से 45 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक मजबूत गढ़ है, तेलंगाना में भी अच्छा खासा बीजेपी का प्रभाव है और अब आंध्र प्रदेश में गठबंधन को अमली जामा पहनाकर बीजेपी अपने टारगेट के नजदीक जाती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।